कुछ ही देर में ऐसा हो जाता है यहाँ ठंडा देखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरएस किशोर। अभी 11 बजे हुए दोस्तों, नहीं 12 बजने वाले हैं और मुझे होगी लेट और मैं सोया रह गया क्योंकि रात में नींद नहीं आई, सर दर्द और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था और नींद खुली अभी 11:30 बजे। तैयार हो गया और रेडी हो गया और नाश्ता नहीं करके नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं ड्यूटी। तो मौसम सुबह खुल नहीं रहा है, कहीं जाने का नहीं हो पा रहा है, कड़ाके की ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है हल्द्वानी पे। आई होप कि पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा बागेश्वर साइड या आगे को, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि यहाँ पे हल्द्वानी में पहाड़ वाले एरिया में ही आ जाता है। काफ़ी ठंडा है सुबह के टाइम में, 10 बजे तक मतलब मौसम खुल नहीं रहा है तो कहीं जाने का नहीं हो रहा है। कल वहाँ गया था तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, सर दर्द बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई थी, तो नींद नहीं आई रात भर। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था और ये कालाडूंगी साइड को। तो दोस्तों चलते हैं अब ड्यूटी और आजकल ऐसे ही हो रहा है, कहीं जाने का नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्लॉग देख के आप इन्जॉय कीजिए। और अभी एक चीज़ और है कि एक दो दिन में यानी कल और परसों के बीच में अभी डिसाइड नहीं हो रहा है। अभी हल्द्वानी में यूट्यूबरों का मीटअप है एक, शायद लोकेशन हम आपको बता देंगे। बहुत बड़ा मीटअप होने वाला है और जो भी लोग मेरे ब्लॉग को देख रहा है या जो भी लोग आना चाहता है वो कोई भी आ सकता है उसमें। और मीटअप में हल्द्वानी के सारे यूट्यूबर आएंगे इसमें और जगह के भी आ सकते हैं। तो एक बड़ा सा मीटअप रख रहे हैं हम लोग, तो आप आइए और इन्जॉय कीजिए और बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत जल्द वो मीटअप होने वाला है, हम आपको इंस्टाग्राम के द्वारा बता देंगे। और इंस्टाग्राम मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कीजिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ले सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, किन यूट्यूबरों से मिल रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चल के मिल सकते हैं। तो चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों नाश्ता पानी हो गया है, आप पीते हैं गर्म पानी क्योंकि गली में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है आजकल, गर्म पानी पीना पड़ गया है बार बार। ये देखो ये हो रहा गर्म पानी, अरे हवा आ रही है यहाँ से, तभी ऐसा हो रही है, खिड़की से हवा आ रही है तभी ऐसा हो रहा है। पानी आने पीते हैं फिर चलते हैं ड्यूटी को, लेट हो रही है, 11:50 हो गया, 12 बजे पहुंचना है। तो दोस्तों पहुंच गया हूं यहां पर ड्यूटी में, ये देखिए कौन है, करण कैसा है? बढ़िया। और करण ने गाना गाया था लेकिन हमें टाइम नहीं हो पा रहा है करण ना, गाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है करण को, मुझे भी नहीं हो पा रहा टाइम और करण को भी नहीं हो पा रहा है, करण तो भी लगाता है यहाँ पर ड्यूटी है और हमारी भी। तो आज तो बहुत अच्छी धूप आई है ना, आज मस्त धूप आ रखी है, छुट्टी के दिन जाएंगे कभी कहीं, धूप तो मस्त आ रखी ना, आज मज़ा आएगा आज तो मैं भी ठीक है। हाँ चलती है। तो दोस्तों अभी बजे हुए हैं 2 और अभी मैं आया हूँ लंच के लिए पीजी पे और आज काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है, राहत है आज मौसम में, ये देखिए काफ़ी प्यारी धूप आई है। तो आज ठंडा थोड़ा कम है, सही है, मतलब मौसम ठंडा है लेकिन कम है। तो चलते हैं अब लंच करते हैं। तो दोस्तों लंच हो चुका है, खाना पीना, और यहाँ देखो दाजी को रात के खाने की तैयारी हो रही है, मेथी है ना? हाँ मेथी है, शाम की तैयारी, शाम की तैयारी हो रही है खाने की। ये देखो मैं ज्यादा पकड़ते तो इस तरह से कटिंग कर ले दाजी, तो दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे थे कि दाजू कहाँ के, हमारे कारीगर दाजू कहाँ के हुए? मैं हेड़ा खान का, हेड़ा खान के हुए दाजू, भीमताल ब्लॉक ग्राम सभा। तो यहाँ भीमताल के हुए दाजू, भीमताल का नहीं हेड़ा खान, हेड़ा खान के हुए ब्लॉक। अच्छा भीमताल तुम्हारा ब्लॉक पड़ता होगा, हेड़ा खान। अच्छा हेड़ा खान,
अच्छा ठीक तो ये है दोस्तों तैयारी रात की, आलू मेथी की बनेगी सब्जी। अच्छा ये दाल होगी ना दाल। तो दोस्तों टाइम हो चुका है, छुट्टी हो गई है पैंटालून से, और बाहर यहाँ पे आने में भी इतना ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो चलते हैं घर, पहुँचते हैं रूम पे। ये देखिए कुछ ही देर में ऐसा हो जाता है यहाँ ठंडा, देखिए कितना कोहरा है भैया।